मुरादाबाद में 13 अगस्त 1980 को हुए दंगों की रिपोर्ट मंगलवार को विधानसभा में पेश की जाएगी। करीब 43 साल बाद सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मुरादाबाद दंगे की 496 पेज की रिपोर्ट में कई बड़े नामों का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में मुख्य आरोपी डॉक्टर शमीम अहमद खान को बनाया गया है। मुस्लिम लीग पार्टी के इस नेता की मौत हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस और मुस्लिम पक्ष में झड़प हुई थी और गोली चलाई गई, जितनी आवश्यकता थी उतनी चलाई गई थी। इसके अलावा रिपोर्ट में आरएसएस और बीजेपी को क्लीन चिट दी गई है। 13 अगस्त 1980 में मुरादाबाद जनपद में मुस्लिम समुदाय के लोग ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने के लिए एक साथ इकट्ठा होकर निकले थे। ये वही ईदगाह है जहां पर तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ यहां पर ईद की नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन इसी बीच मुरादाबाद जनपद के ईदगाह के बाहर कुछ ही दूरी पर हंगामा होना शुरू हो गया। दरअसल मुस्लिम समुदाय के लोगों का आरोप था कि यहाँ पर एक जानवर आ गया था, जिसकी वजह से हंगामा हुआ। हंगामा देखते ही देखते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इस ईदगाह के अंदर फायरिंग होना शुरू हो गई, जिसमें कई लोगों की मौत इस ईदगाह में हुई थी। वहीं इस पूरे प्रकरण का संज्ञान उस समय की गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया। एक जांच आयोग बनाया गया। जस्टिस सक्सेना को इसकी जांच सौंपी गई। वहीं इसकी जांच कुछ ही दिन में पूरी कर ली गई। लेकिन उस आयोग की रिपोर्ट अब 43 साल बाद भाजपा सरकार पटल पर रख रही है। विधानसभा में आज रिपोर्ट पेश की गई है, जिसको लेकर मुरादाबाद जनपद में रहने वाले लोगों से बात की है जो इस दंगे से पीड़ित हुए थे। उनका कहना है उन्हें सरकार से कई सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि उस समय की जो गवर्नमेंट थी वहाँ उनके द्वारा अभी तक 43 साल में कई सरकारें बदली, किसी के द्वारा भी इस आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। अब इस रिपोर्ट आने से लोगों को कई सारी उम्मीदें हैं और लोगों को इंसाफ मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में ये भी है कि दूसरे समुदाय के लोगों को फंसाने और सांप्रदायिक हिंसा के लिए इस दंगे की साजिश रची गई थी। वही दंगे की रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखे जाने से मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव कौसर हयात खान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उस समय की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है कि ये 13 अगस्त का मामला कतई सांप्रदायिक नहीं था। टोटल सरकार का स्पॉन्सर्ड केस का नाम एक मामला था और सरकार जिस तरह दूसरी जगहों पर कर रही थी, सन 76 में मुजफ्फरनगर में नसबंदी कांड में सीधी गोली चलाई गई और 25 आदमी एट दी स्पॉट मार दिए गए बगैर प्रोवोकेशन के, बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी टकराव के सीधी गोली चलाई गई एक भीड़ पर, जहां ज़बरदस्ती ये नौजवानों को उठा रहे थे और 25 आदमी मार दिए, उसकी कोई जांच नहीं हुई। कौसर हयात का कहना है कि इस समय ये रिपोर्ट लाने से लगता है कि नियत साफ नहीं है। पुराने मामले को इस तरह से रखना और कोई जांच नहीं करना, ये जांच रिपोर्ट जिस आयोग द्वारा की गई थी वो भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि उन्होंने सही ढंग से जांच रिपोर्ट तैयार नहीं की थी। उन्होंने गुपचुप तरीके से ऑफिस में बैठकर ये रिपोर्ट बनाई थी। इससे साफ जाहिर होता है कि उस समय की सरकार की नियत साफ नहीं थी। देखिए, सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि इतने साल के बाद ये रिपोर्ट अब पटल पर रखी जा रही है, तो इसके पीछे हम ये समझते हैं कि नियत साफ नहीं है। पुराने मामलात को इस तरह पटल पर रखना और उसकी कोई जांच नहीं करना, हमारा कहना शुरू से ये रहा कि जांच नहीं हुई है। जो जांच रिपोर्ट आज पेश की गई है, जो आज ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर शिवम साहब उसके जिम्मेदार थे, ये आज आ रही है बात, 40 साल से कभी नहीं आई ये बात सामने। और वो जांच जो आयोग बनाया गया था उसने जिस तरह जांच की जाती है आमतौर पर, इस तरह जांच नहीं की थी और उन्होंने गुपचुप जांच करके और अपने इंडोर ऑफिस में बैठकर वो रिपोर्ट बना दी और सरकार को दे दी और सरकार ने उसे दबा कर रख दी। तो ये सारी चीज़ें जाहिर कर रही हैं कि नियत साफ नहीं थी, खाना पूरी करनी थी और किसी एक आदमी को मुर्दे इल्जाम ठहरा के उसको ख़त्म कर देना था उस मामले में। कौसर हयात ने आगे कहा कि उस समय सरकार के इशारे पर 600-700 लोग ईदगाह के मैदान में मार दिए गए थे। उस समय एक तरफा मुसलमानों की गिरफ्तारियां की गई, ये अब सरकार द्वारा कराया गया प्रायोजित केस था जिससे कि मुसलमानों को दबाया जा सके। क्या ये एक स्पॉन्सर्ड बाय सरकार, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार की तरफ से ये लगातार एक चीज चली आ रही थी कि मुसलमानों को डिमोरलाइज किया जाए, उनके उत्साह को कम किया जाए, उन्हें जो है कदम इस तरह दबाया जाए कि वो आइंदा कभी कदम बोलने की हिम्मत ना करें। तो मुसलमानों को हतोत्साहित करने के लिए, एक तरह से उन्हें डिमोरलाइज करने के लिए ये एक प्लान था सरकार का। उसी सरकार के प्लान के तहत ईदगाह जैसी जगह में जहां सिर्फ लोग नमाज पढ़ रहे थे, किसी कदम जानवर के आने पर अगर कहीं झगड़ा हुआ होगा, क्या थोड़ा कहा सुनी हुई होगी, तो वो एक ख़ास स्पॉट होगा, उस ख़ास स्पॉट पर ही कदम चंद लोगों से बात की जा सकती थी।
लेकिन ईदगाह के अंदर मैदान में, जबकि ये चीज़ उस वक्त बहुत लोगों ने कही थी कि अगर ये देखा जाता कि जानवर कहाँ आया, तो जानवर आया है ईदगाह के बाहर सड़क पर और गोली चलाई गई ईदगाह के अंदर नमाजियों पर। ये इन दोनों चीज़ों का फ़र्क है। अगर सही मानों में इंक्वायरी होती तो पता चलता है कि गोली क्यों चली और एट दी स्पॉट आपने 600-700 आदमी वहाँ मार दिए। एक अगर कोई कहीं अगर हुआ था थोड़ा सा पुलिस के साथ कहा सुनी हुई थी तो क्या 600-700 आदमी आप मार देंगे आप डायरेक्ट गोली चलाकर, और फिर उसकी कोई इंक्वायरी नहीं, कोई उसके कहना मुआवजा नहीं, कोई उसके FIR नहीं, कुछ नहीं। आपने एक तरफा तौर पर मुसलमानों की गिरफ्तारियाँ की, NSA के अंदर गिरफ्तार किया और फिर उसके कुछ दिनों बाद जैसे हमेशा हर उसमें होता है छोड़ दिए गए मुसलमान, ख़त्म हो गई कहानी, लोग भी भूल गए, जिनके मरे थे वो बेचारे अपने गम के अंदर चुप हो गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सरकार द्वारा प्रायोजित एक केस था। बताते चलें कि मुरादाबाद में 13 अगस्त 1980 को ईद के दिन दंगा भड़क गया था। उस वक्त ईदगाह में करीब 70,000 मुस्लिम नमाज अदा कर रहे थे, तभी भीड़ में किसी पशु के घुस जाने के बाद पुलिस और मुस्लिम पक्ष के बीच झड़प हो गई थी जो खून खराबे में बदल गई। इस हिंसा में 83 लोगों के मारे जाने की बात कही गई। तब केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार के साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की VP सिंह की सरकार सत्ता में थी।